हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 20 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। देखिए, एक क्वेश्चन आज लेख से आया है कि कुल्लूर लेख जो है वो किस स्टेट में स्थित है, तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हर सेट में एक लेख से क्वेश्चन आ रहा है, तो लेख को आप लोग पढ़ लीजिए और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड लेख देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। ये हुसैन सागर, ये लेख इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैन मेड जो लेख है ये एशिया का सबसे बड़ा लेख है, मैन मेड लेख। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दुर्गम चुरुभ को हम लोग सीक्रेट लेक भी बोलते हैं, सीक्रेट लेक बोला जाता है। और ये चारों जो है ये आंध्र प्रदेश का लेख है, तो ये चारों को आप लोग याद कर लें। क्लियर लेक के बारे में पूछा गया है और ये तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। तो देखिए, इसका ऑप्शन के अनुसार होगा, 2017 के अनुसार फोब मैगजीन के अनुसार ईमा स्टोन जो थी वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। 26 मिलियन में इनका एक मूवी ले ली थी और वो मूवी था लाला लैंड। जो लाला लैंड मूवी है उसके लिए इनको ऑस्कर भी मिला है इस साल 2017 में। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं 2017 की। और देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेल एक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, तो वो है मार्क वल्गर। ये 68 मिलियन लिए है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इम्पोज जजिया टैक्स सेकेंड टाइम। तो देखिए, सबसे पहले जजिया टैक्स चालू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और उसको सेकेंड टाइम जो हुआ वो औरंगजेब ने लगाया था। ये औरंगजेब और ये फिरोज शाह तुगलक, तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम कौन थे फिरोज शाह तुगलक, सेकेंड टाइम कौन थे तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑफ स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया। देखिए, ये 3 साल के लिए लाया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी, मगर उसको हर 6 महीना पर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। हर 6 महीना पर वो अप्रूवल रहेगा तो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए इमरजेंसी लगाया जा सकता है। उससे रिलेटेड आर्टिकल देख लीजिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो वो 352 आर्टिकल के तहत लगता है, स्टेट इमरजेंसी लगता है तो 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 360 के तहत। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है और भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान साइंड MOU ऑन ट्रांसपोर्ट हेल्प। तो देखिए, MOU साइन किया गया है इंडिया और अफगानिस्तान का, वो है 2.87 मिलियन डॉलर का। इसमें क्या हो गया कि जो पाकिस्तान के, ये अफगानिस्तान के पास 350 बसेस हैं उसको इंडिया उसको ठीक करेगा, रिपेयर करेगा और भी मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सुधर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन कैबिनेट टेक ओथ बाई, प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ लिया जाता है यूनियन कैबिनेट का, चाहे वो कोई भी चेयरमैन हो भारत के या फिर कैबिनेट के मंत्री लोगों, सबका प्रेसिडेंट ये ओथ कौन दिलवाता है, तो वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कप होस्टेड बाय इंडिया। देखिए, इस ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बैडमिंटन कप फेडरेशन कप होस्टेड बाय इंडिया और मंजीत चिलर प्ले फ्रॉम द तमिलनाडु इन प्रो कबड्डी। तो देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसमें ऑप्शन दिया होगा 1A, B, ए बी या ऑल ऑफ दी या नॉन ऑफ दिस, इस तरह करके ऑप्शन होगा। तो देखिए, मंजीत चिलर है तमिलनाडु के लिए नहीं खेलते हैं और वर्ल्ड ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कप होस्टेड बाय इंडिया ये भी 2009 में होस्ट किया था, उसके बाद अभी तक होस्ट नहीं किया क्योंकि 2017 में ये स्कॉटलैंड ने होस्ट किया है, वो 13वां था। 2018 में चाइना होस्ट करेगा और 2019 में स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा। तो ये तीनों याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे 2018 में कौन होस्ट करेगा और 2019 में कौन होस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवा चैट बॉक्स लॉन्च बाय विच बैंक। तो देखिए, ईवा चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा HDFC। तो ईवा चैट बॉक्स होता क्या, इसमें क्या हुआ ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक ईवा के, ये देख लीजिए फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंस। इसमें क्या होगा कि 2.7 मिलियन कस्टमर का क्वेरी एक ही बार में डील कर सकता है, तो ये इस बैंक को बहुत अच्छा होगा कि बहुत सारे कस्टमर को एक ही बार में ये टेक कर सकता है। और ये HDFC बैंक ईवा बिकम द फर्स्ट स्मार्टेस्ट चार्ट बॉक्स। ईवा जो है वो इंडिया का स्मार्टेस्ट चार्ट बॉक्स है अभी तक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
फर्स्ट टाइम इंडियन सोल्डर अलाउड टू यूज शिप। देखिए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। वन क्वेश्चन रिलेटेड थे लाथूर रेलवे। देखिए लाथूर रेलवे है कहाँ पर, तो ये है महाराष्ट्र में, और इससे क्वेश्चन पता तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला, मगर एक चीज़ लाथूर रेलवे के बारे में पता चल ये पता है कि 2017 में इसमें दो चीज़ें, लाथूर रेलवे में रेल फैक्ट्री बैठाया गया है, और दूसरा यहाँ पर पानी का बहुत कमी हुआ था जिसके कारण बहुत ही नुकसान, जो इंडियन गवर्नमेंट हर एक स्टेट इस लाथूर रेलवे के लाथूर जगह जो है वहाँ पर भेजा था, रेलवे के थ्रू बहुत सारा पानी भेजा गया था, तो वो देख लीजिए। करेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, क्या है वो क्वेश्चन यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। एक आया है कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, तो ये प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल यदि ऑप्शन में इक्वेटर आंसर होगा तो उसका आंसर इक्वेटर होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड